फ्रेंड वेलकम टू दी सी ओ पी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्वप्निल। और एम एस टी सी टी 2021 की एग्ज़ाम डेट कब डिक्लेयर होगी, कब होगी एग्ज़ाम? तो ये पिछले 2 to 3 days में मुझे मोर देन 200 स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ऊपर। इंस्टाग्राम पे हर एक स्टूडेंट यही क्वेश्चन कर रहा है कि एम एस टी सी टी एग्ज़ाम कब होगी, कब डिक्लेयर होगी एग्ज़ाम, कब हो सकती है एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं आपका उसी टेंशन को कम करने की कोशिश करने वाला हूँ फ्रेंड्स। टोटल बैकग्राउंड मैं आपको बताने वाला हूँ, क्रिस्टल एंड क्लियर आपकी सब चीज़ें क्लियर होने वाली है इस वीडियो के एंड तक। और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है और किस वजह से वो इतना डिले कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम डिक्लेयर कब हो सकती है फ्रेंड्स। तो टोटल चीज़ें हम देखने की इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। लेकिन यार उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से इस यूपी वर्ल्ड को मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आने वाले दिन में फ्यूचर में भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट, काउंसलिंग राउंड के इंपॉर्टेंट अपडेट, कॉलेज के रिव्यू, सब चीज़ें इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखे फ्रेंड्स। तो सब्सक्राइब कीजिए, इतना भी मत सोचिए, अभी से सब्सक्राइब करके ही इस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें अभी चल रही है। तो जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि एम एस टी सी टी 2021 एग्ज़ाम डेट लाइक टू बी रिलीज बाय द वीक एंड चेक डिटेल्स। तो उन्होंने बोला था कि इस वीक के एंड तक एम एस टी सी ई टी की एग्ज़ाम रिलीज़ हो सकती है। लेकिन अभी वीक तो चला गया लेकिन एग्ज़ाम की डेट तो भी नहीं आई है फ्रेंड्स। तो वीक ख़त्म हो भी गया है लेकिन एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई है, मीन्स मुझे पता नहीं चल रहा है। तो अगर ये दे नहीं सकते तो बोल रहे हैं कि वो कि वीक के एंड तक आएगी, ऐसा आएगी वैसा आएगी। तो आगे भी क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, अवेटिंग कन्फर्मेशन ऑन द न्यू शेड्यूल महाराष्ट्र सी ई टी सेल। तो हिंदुस्तान टाइम्स ने जो महाराष्ट्र सी ई टी सेल के ऑफिशियल से उनसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन किए थे कि एम एस टी सी ई टी की एग्ज़ाम कब हो सकती है, कहाँ तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो सकता है। तो इस न्यूज़ में टोटल उन्होंने कवर किया है कि सी ई टी सेल के ऑफिशियल जो है उन्होंने क्या क्या आंसर दिए, वही हम देखने वाले हैं। क्योंकि उनके आंसर के इम्पैक्ट हमारे ऊपर होने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसी चीज़ों से सब चीज़ें हमारी क्लियर होगी। तो अर्लियर दिस मंथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेरेंट एंड स्टूडेंट अप्रोच द उदय सामंत द स्टेट मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन सीकिंग पोस्टपोनमेंट ऑफ द एम एस टी सी ई टी। ये चीज़ आपको तो ऑलरेडी पता है लेकिन हम टोटल एक बार बैकग्राउंड को क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स। विथ नो वर्ड्स फ्रॉम द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सी ई टी सेल ऑफिशियल हैव कन्फर्म दैट द एम एस टी सी ई टी एग्जाम विल नॉट बिगेन फ्रॉम सैटरडे September 4th. While the state government had announced the last month that the entrance exam for engineering pharmacy courses will be conducted between the 4 September to 10. No hall ticket from the exam have been distributed as it an official circular is still awaited. तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि ऑलरेडी जिन्होंने की थी उस एग्ज़ाम के वहाँ पे तो उन्होंने एग्ज़ाम को स्टार्ट नहीं किया। पहले तो हॉल टिकट भी नहीं रिलीज़ किया, उसके साथ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहता है, जो सर्कुलर रहता है, वो भी उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। लेकिन उन्होंने ऐसे ही वो हवा में बातें कर रहे हैं कि इस टाइम पे एग्ज़ाम होगी, उस टाइम पे एग्ज़ाम होगी, लेकिन कुछ भी रिलीज़ नहीं कर रहे। ऑफिशियली तो कुछ भी रिलीज़ नहीं हो रहा है, ओनली प्रेशर क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट के ऊपर। और आगे क्या चीज़ें होती है मैं आपको बता देता हूँ। आगे उन्होंने बोला है जो सी ई टी ऑफिशियल है वो क्या बोल रहे हैं अभी देख लिए। वी आर स्टिल वेटिंग टू हियर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कन्फर्मेशन ऑन द न्यू शेड्यूल्स। वंस वी गेट द गो अहेड वी विल शेयर इट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट सेड ऑन ऑफिशियल फ्रॉम द स्टेट सी ई टी सेल ऑन द कंडीशंस। अर्लियर दिस मंथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेरेंट एंड द स्टूडेंट अप्रोच द उदय सामंत स्टेट मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन सीकिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ एम एस टी सी ई टी एग्जाम। तो उन्होंने जो फर्स्ट चीज़ें क्लियर की है, सी ई टी सेल के ऑफिशियल क्या बोल रहे हैं कि हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हमें कब बोलती है कि गो अहेड। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि गो अहेड, हम आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। मींस सी ई टी सेल अभी डायरेक्टली बोल रहा है कि हमारे तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं डिले हो रही है, डायरेक्टली जो भी चीज़ें थमी हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से है। और स्टेट गवर्नमेंट जैसे उनको गो अहेड बोलेगा वो आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसका ही वो वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है, ये आपका मन में क्वेश्चन होगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है और सी ई टी सेल को जल्दी से जल्दी रिलीज़ भी करनी चाहिए एग्जाम की डेट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अर्लियर दिस मंथ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड स्टूडेंट अप्रोच द उदय सामंत स्टेट मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन सीकिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ एम एस टी सी ई टी एग्जाम द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट इज शेड्यूल टू टेक प्लेस ऑन September 12th वाइल द एंट्रेंस। ठीक है, तो पहले आपको एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि
जो इसी मंथ में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स थे और पेरेंट्स थे वो उदय सामंत सर को मिलने गए थे कि सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो इस सभी चीज़ों को कंसिडर करके लेनी चाहिए, मीन्स नीट की एग्ज़ाम भी इस मंथ में होनी थी और बाकी के एग्ज़ाम थे, बाकी के जैसे ICAR की एग्ज़ाम थी 7, 8, and 30, सिमिलरली द CBSE क्लास 12 स्टूडेंट आल्सो हैव देयर क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम अंटिल 15 September. द न्यू शेड्यूल इज पुट टुगेदर कीपिंग इन द माइंड दिस एग्जाम्स आर इंश्योरिंग दैट स्टूडेंट आर नॉट इन फिक्स. तो क्या हो रहा है चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ कि पहले तो CET सेल क्या बोल रहा है कि CET सेल बोल रहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हमें गो अहेड बोलेगा हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. तो CET सेल का ये एक आंसर था. अभी स्टेट गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है, क्योंकि पेरेंट और स्टूडेंट एसोसिएशन ने क्या किया था, उदय सामंत सर के साथ मीटिंग की थी. किस वजह से की थी कि नीट की एग्ज़ाम भी है और साथ ही साथ ICAR की एग्ज़ाम है और CBSE क्लास 12 इंप्रूवमेंट भी एग्ज़ाम है. तो इन सभी चीज़ों को MHT CET के एग्ज़ाम के साथ ये चीज़ें क्लैश नहीं होनी चाहिए और स्टूडेंट को इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं क्रिएट होना चाहिए कि ये सब एग्ज़ाम में साथ ही है और MHT CET की एग्ज़ाम भी साथ ही चल रही है. तो सब चीज़ें एक साथ चलती तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होते. जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत ही फास्ट वे में चीज़ें तो कर रही है, साथ ही साथ स्टूडेंट को भी प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है. मीन्स एक तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं रिलीज़ कर रहे, हवा में बातें कर रहे हैं ये अभी एग्ज़ाम होगी वहाँ पे एग्ज़ाम होगी, लेकिन ऑफिशियली कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हो रहा था. उसके साथ स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा था और साथ ही साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम थे जो कि नीट की एग्ज़ाम थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम थे. और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर का भी मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर भी बता दूँ तो आपके जो MHT CET की एग्ज़ाम है वो जो आपकी JEE एडवांस की एग्ज़ाम रहती है उसके बाद ही होती है फ्रेंड्स. ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि JEE एडवांस की एग्ज़ाम होने के बाद ही मोस्टली MHT CET की एग्ज़ाम होती है और हर साल यही फॉलो करते हैं वो ट्रेंड. और हर साल इनका ये अभी जो आपने सीन देखा है वो हर साल का है. लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि लास्ट ईयर भी वो नीट के पहले लेंगे एग्ज़ाम, नीट के पहले डेट आती है लेकिन एग्ज़ाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया तो बाद में एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है और लास्ट में JEE एडवांस के बाद ही एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है. तो ये चीज़ें ये ट्रेंड हमेशा फॉलो जनरली करते हैं, कभी भी उन्होंने डेट रिलीज़ की तो भी. तो इस साल भी कुछ इसी तरह का पैटर्न वो जनरली फॉलो कर सकते हैं, वो JEE एडवांस के बाद एग्ज़ाम ले सकते हैं फ्रेंड्स. इसकी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया है, कुछ भी नहीं किया है. और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है उसके 15 दिन के बाद एग्ज़ाम को स्टार्ट किया जाता है फ्रेंड्स. तो उसी हिसाब से आपको देखना होता है, 15 दिन के बाद एग्ज़ाम को स्टार्ट किया जाता है और लास्ट ईयर 20 डेज तक एग्ज़ाम जनरली चली थी. अभी इस साल तो 350 से ज़्यादा सेंटर उन्होंने किए तो एग्ज़ाम जनरली 15 डेज में भी वो कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर है कि उनको कितना प्रेशर वो सस्टेन कर सकते हैं उसी हिसाब से वो एग्ज़ाम लेगी. और साथ ही साथ वो JEE एडवांस की भी एग्ज़ाम को डेट को भी ध्यान में रखेंगे. एक तो ये JEE एडवांस के पहले लेंगे तो अभी 2-3 दिनों में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होने वाले हैं, क्योंकि आपको 10-15 डेज का तो भी गैप देना पड़ेगा. लेकिन अगर वो अभी इस वीक में भी कुछ भी नहीं रिलीज़ करते तो डायरेक्टली आपकी जो एग्ज़ाम है वो JEE एडवांस के बाद होगी, अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी फ्रेंड्स. तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, उसी हिसाब से आप देख सकते हैं. बाकी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार तो कर दीजिए, अभी किस बात का आप वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स. क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अभी प्रेशर में टेंशन में, तो इतना ज़्यादा भी टेंस होने की आपको ज़रूरत नहीं है. COP वर्ड आपको टाइम टाइम पर हेल्प करते रहेगा, आपका टेंशन कम करने की हम जरूरत से ज़रूर कोशिश हर वीडियो में करते हैं फ्रेंड्स. तो इतना ज़्यादा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अभी कुछ ही इस वीक में आपको एक अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपके एग्ज़ाम JEE एडवांस के पहले हो सकते हैं, और अगर वो इसमें भी डिले करते हैं तो डायरेक्टली एग्ज़ाम आपके अक्टूबर मंथ में भी स्टार्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स. इसकी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट 4 ईयर में भी ऐसे ही सेम चीज़ें वो फॉलो करते हैं. अभी आप ओनली आपके स्टडी के ऊपर ध्यान दीजिए. MHT CET बेस्ट स्ट्रैटर्जी बुक को आप ज़रूर से ज़रूर एक बार रीड कीजिए. इसमें मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मेरे CUP के एक्सपीरियंस और साथ ही साथ टॉपर के सजेशन सब चीज़ें हमने इसमें ऐड की है. COP में जाने के लिए, VJTI में जाने के लिए आपको कैसी स्टडी करने की ज़रूरत है, मैंने मेरे टाइम कैसे स्टडी की थी, सब चीज़ें आपको MHT CET बेस्ट स्ट्रैटर्जी बुक में मिल जाएगी. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और COP और के स्पेशल डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट MHT CET मॉक टेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके सिलेबस मिस्टेक एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट लेवल कितना हो रहा है कि नहीं वो सब चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए. क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस इन MHT CET एग्ज़ाम. टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन जिसको आ गया वो विन हो गया फ्रेंड्स, ख़त्म है गेम. आपको ओनली 2 चीज़ों पे अभी ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन. और ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से आने वाली है और इस मॉक टेस्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और उसके साथ उसके सोल्यूशन भी मिलने वाले हैं फ्रेंड्स. और सबसे कम प्राइस
पे आपको महाराष्ट्र में मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ को आप फ़ायदा उठा सकते हैं, टॉप एक्सपर्ट से डिज़ाइन की हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। MHT CET के प्रिपरेशन टिप्स जान के लेने होंगे, मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस, मैंने COP में जाने के लिए क्या क्या किया था, क्योंकि मैं खुद COP से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ फ्रेंड्स। मुझे फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी मिला था, तो मैंने मेरे क्या साथ क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो सब चीज़ें आपको MHT CET प्रिपरेशन टिप्स ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो MHT CET 2020 ये प्लेलिस्ट भी आप ओपन करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन को जरूर हिट करके रखें, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच।